नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरए न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। आम आदमी पार्टी और उसके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल पिछले साल मानसून सत्र के दौरान संसद के अपर हाउस राज्यसभा से अमर्यादित व्यवहार के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वहीं बुधवार 26 जून को आप नेता संजय सिंह का एक साल का निलंबन खत्म कर दिया गया है। अब संजय सिंह दोबारा संसद जा सकते हैं और उसकी कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने खुद निलंबन हटने की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। आप नेता सांसद संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई है, निलंबन खत्म हुआ। माननीय सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, प्रिविलेज कमेटी के सभापति व सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार मैं प्रकट करता हूं। क्यों हुए थे निलंबित, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। पिछले साल मानसून सत्र में विपक्ष मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा था। तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि इस पर प्रश्न काल में की जाएगी। हालांकि प्रश्नकाल कुछ ही मिनटों तक चला था, जिसके बाद संजय सिंह सभापति की कुर्सी के पास तक आ गए थे। इस पर सभापति ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं माने। वहीं बाद में पीयूष गोयल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया था। इसके बाद संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया था। संजय सिंह ने उसके बाद बिना शर्त के माफी मांगी थी। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अपने खिलाफ चार शिकायतों की सुनवाई के लिए बुधवार यानी 26 जून को हुई राज्यसभा विशेषाधिकार समिति के सामने बिना शर्त माफी मांगने की बात कही जा रही है। इस मामले के जानकारों ने बताया है कि संजय सिंह के खिलाफ शिकायतों का निपटारा अब कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट गुरुवार यानी 27 जून को उच्च सदन में रखी जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता वाली समिति संजय सिंह के खिलाफ विशेषाधिकारों की शिकायतों की सुनवाई कर रही थी। इन शिकायतों में संजय सिंह द्वारा राज्यसभा के सभापति के निर्देशों की अवहेलना करना, 249वें सत्र के दौरान 12 सदस्यों द्वारा सभापति के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करना है। इसके साथ ही संजय सिंह द्वारा सदन में जानबूझकर भ्रामक बयान देना और राज्यसभा के नेता पर आरोप लगाना। इसके अलावा तत्कालीन सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा संजय सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार के कथित प्रश्न पर प्रस्ताव पेश करने का मामला भी इसमें शामिल है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आरएन न्यूज। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।